सो गाइस सुबह सुबह अम्मा जी और सदु ने किचन पूरी चेंज कर दी है। पहले गाइस हम उससे खाने शाने बनाते थे उस रूम में, पर गाइस उन्होंने किचन चेंज कर दी। कितनी स्पीड में आज काटेंगे? 100 की स्पीड में ऐसे। जी जी जी, 200 की, मैं 100 में। नहीं नहीं, मैं 200, आप 250। कैमरा मैन जफर सफारी के साथ बाबर चौधरी घास काटता हूँ। हाँ जी, कहाँ किस मिला? काटो ऊपर से, काटो ऊपर से। गाइस पिछले साल भी मैंने घास काटा था, पर गाइस बहुत बुरा काटा था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरी से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरी से। सो गाइस, कल शाम को पुंछ में थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो उस वक्त जफर सफारी और चाचू जी और घास काट रहे थे। सो गाइस वो बारिश उनके ऊपर पड़ी, तो उसी वजह से गए चाचू जी को रात को बुखार हो गया। सो गाइस आज चाचू जी और घास नहीं काट रहे, आज वो गए हुए डॉक्टर के पास। सो गाइस जफर सफारी अकेले घास काट रहे। सो गाइस अब जब वो खाना खाने वापस आएंगे, तो फिर गाइस मैं भी उनके साथ जाऊंगा, मैं भी घास काटूंगा। तो गाइस वो भी आपको बताऊंगा, और भी आज दिन में कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात होगी आपको सब बताऊंगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छी अच्छी कमेंट करना। सो गाइस चलो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सदफर जी, क्या कर रहे हो? फुलके बना रहे हो? तो ये क्या किया आपने? आपके किचन तो उस साइड थी ना? आज ही साइड आ गई। और चेंज कर दी? तो गाइस सुबह सुबह अम्मा जी और सदु ने किचन पूरी चेंज कर दी है। पहले गाइस हम उससे खाने शाने बनाते थे उस रूम में, पर गाइस इन्होंने किचन चेंज कर दी है, तो ये है हमारी किचन। तो गाइस आप सब बोल रहे थे कि आप रूम में खाना क्यों बनाते हो, तो इसकी वजह ये थी कि हमारी किचन में बहुत ज्यादा पानी आता है सावन के महीने में। ये बात है ना जी? तो अब इधर क्यों शिफ्ट हुए? अब पानी नहीं आता। अब पानी नहीं आता? अगर पानी आ गया किसी दिन तो फिर क्या करोगे? आज रात बारिश हुई थी तो आया पानी? नहीं है बिल्कुल भी जी, नहीं। अच्छा जी, सो गाइस इन्होंने शिफ्ट कर दिए किचन, तो इधर देखो हमारी किचन तो हाथ तो खराब ही है। बाकी गाइस इस साइड से तो पानी बिल्कुल नहीं आता, इधर से भी नहीं आता, इस साइड से आता है थोड़ा सा पानी। तो गाइस इसी वजह से हमने किचन यहाँ पे नहीं थी रखी हुई, उस रूम में रखी हुई थी, पर आज सुबह सुबह मुझे सरप्राइज मिला। तो गाइस जैसे ही मैं जागा, तो मैं बाहर गया, तो आगे देख लो यहाँ पे सारे अभी बैठे हुए। ये देखो गाइस कुछ ऐसी सेटिंग की है सदन ने, कमाल है जी। एक बात है, पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं था दिल लगता जी। तो जब से आपने ये इधर अपनी डेकोरेशन थोड़ी की ना, तो आप अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस एक ये वजह भी थी जिसकी वजह से हमने किचन उधर शिफ्ट की थी। तो एक और वजह क्या है, वो है अक्सा, क्योंकि गाइस ये किचन थोड़ी छोटी है, तो अक्सा को चाहिए बड़ा ग्राउंड जहाँ पे वो खेलती रहे, ये चक्कर है ना जी। अच्छा जी, तो चाचू जी को क्या हुआ पता है? कल बारिश हुई थी ना, उस वक्त क्या पता बारिश पड़ गई उनके ऊपर। हाँ। है ना, तो अभी कहाँ गए हुए? डॉक्टर के पास गए हुए। अच्छा जी, तो आज सफारी साहब अकेले? जब सफारी साहब आएंगे ना खाना खाने, तो फिर उसके बाद मैं भी चलूंगा उसके साथ, ठीक है? घास काटने आज नीचे से काट रहे हो, ऊपर नहीं गया आज, आप भी चलोगे? चलोगे? आप काटते हो ना, आपकी चंगी स्पीड है, आप कितनी बड़ी बड़ी लंबी कलाई लगाते हो। देखेंगे तो अक्सर कहाँ पे है? तो गाय सदम बना रही है खाना, तो अक्सर यहाँ पे है। अक्षा बच्चा क्या कर ले बच्चा? मैंने पूछा क्या कर ले, अगर गिर जाते यहाँ से है अक्षा, अगर गिर जाते तो फिर क्या करता अक्षा बच्चा? अक्षा बच्चा ये क्या कर ले? सो गाइस अक्सा बहुत ज्यादा शरारत करती है, तो सद्दू को बिल्कुल भी खाना नहीं बनाने देती। तो गाइस सद्दू ने अक्सा को यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे खेल रही है, तो यहाँ से नीचे आ ही नहीं सकती, इसी वजह से इतने को क्या कर रही है, ये क्या कर रही हो? अम्मी ने आपको यहाँ पे रख दिया, खुद खाना बना रही है। अक्षा हैप्पी बर्थडे कर लो, हैप्पी बर्थडे कर लो। ए शी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। ये क्या कर रही हो अक्षा? अक्सा भाई बेकलो अक्सा। सो गाइस आजकल अक्सा कालू मदारी देखती है, तो वो जब बालू ऐसे गिरता है, अक्सा भी वैसे गिर जाती है। कालू मदारी आया, काला अपना बालू लाया। अक्सा भाई बेकलो, भाई बेकलो ना, निकलोगे? So guys, कोई एक घंटे पहले जफर सफारी वापस आ गया था घर, तो उसके बाद खाना खाया, तो फिर चाय पी, तो अभी क्या कर रहे हो आप सफारी साहब? इधर देखो ना, दाती दाती को क्या कर रहे हो? दंद रहे हो? वो क्यों? तेज कर रहे हो? प्लेयर रहे हो? सो गाइस दाती को प्लेयर रहा है ये। कैसे प्लेयर रहा है इसको? ऐसे आप देखो ना। अच्छा जी, ऐसे करना है ऐसे। कितनी स्पीड में? ऐसे सफारी साहब, ऐसे बात तो सुनो, इतनी स्पीड में? इतनी। अच्छा जी, सफारी साहब आपने इतना घास काटा इतनी स्पीड में, तो दाती खराब होगी? खराब होगी। तो आप इसको तेज कर रहे हो? तेज कर। अच्छा जी, तो कितना टाइम लगेगा तेज करते? दंदे निकाल रहे। दंदे निकाल रहे हो? टूट गए क्या? पहले टूट गए? पहले। अच्छा जी, बात तो सुनो, आज आप अकेले घास काट रहे हो? चाचू जी गए आपको छोड़ के? चाचू गए थे। अच्छा जी, वो मेरे से हार गए। हार गए? भाग गए। हार गए? भाग क्यों?
भागे है ना आपकी स्पीड इतनी ज्यादा है ना चाचू घास काट काट के थक गए पर अभी तक आप नहीं थके आप सफारी साहब स्टील वाली आपकी स्टील वाली बताओ एक बार तीन चार दिन हो गए आपने बताई नहीं ओह टन टन करने एक बार टन टन तो ये हाथ को क्या लगाया है अच्छा बात तो सुनो आप अकेले हो तो बोर हो रहे हो गए आई स्पीड कम होगी आपकी है ना मैं भी चलो साथ में चलो तो दाती है मेरे लिए नहीं है। कौन सी ये वाली तो ये तो आप बोल रहे हो खराब होगी ये निकाल अच्छा बहुत तेज करना ठीक है क्योंकि आप 150 की स्पीड में काटते हो ना मैं 200 की में काटूंगा आज कोई बात नहीं अच्छा जी आप 300-400 में स्पीड में काटो अच्छा जी कोई बात नहीं तेज करके दोगे मेरे को खुशी की बात है खुशी की बात कर रहे हो अच्छा जी जल्दी जल्दी काम खत्म हो गया जल्दी काम ओके तो दूसरी दाती कहाँ पे है गाइस दूसरी दाती ये वाली तो दोनों में से मेरे को कौन सी दोगे एक ये है ना जो आपको पसंद आएगी वही ले जाना नहीं आप जिसे काटते हो आपकी स्पीड जिसे सही बनती है आप वही रखो ना मैं ये रखूंगा आप ये वाली तो गाइस इधर देखो ये नई वाली दाती है ये तेज है ना ये तेज अच्छा तो उसको भी थोड़ा तेज करो तो फिर उसके बाद चलते हैं ठीक है सो गाइस फाइनली जफर सफारी और मेरी दाती हो गई बहुत ज्यादा तेज तो अब हम जा रहे हैं घास काट रहे हैं सफारी साहब कितनी स्पीड में आज काटेंगे 100 की स्पीड में ऐसे जी 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 200 की मैं 100 में नहीं नहीं मैं 200 आप 250 फिर मजा आएगा ठीक है तो कोई गलती हुई तो बताना मुझे ठीक है तो घास में गाइस पहली बार काटने लगा कोई गलती हुई तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना तो चले फिर चले भाई सो गाइस चलो फिर चलते हैं तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा घास है तो जफर सफारी की गाड़ी स्टार्ट हो गई है सफारी साहब कौन सी स्पीड में है स्लो है सर अभी स्लो है अभी एक दो नंबर होगा ना एक दो के हिसाब से चल रही है इधर अच्छा जी तो गाइस जफर सफारी जैसे यहां पे पहुंचा तो घास काटना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा ना अच्छा जी अभी एक दो नंबर में है अभी एक दो नंबर में पकड़ रहा है अच्छा जी थोड़ा गियर चेंज करो ना जी गियर चेंज करो ना आस्ता सा चेंज करो तीन नंबर में डालो चार में पांच में फिर चंगी पकेगी हैं थोड़ा चढ़ाई है ना अच्छा जी इसलिए थोड़ा सो गाइस इधर देखो जफर सफारी कितनी मस्ती में बात कर रहा है इधर देख इधर देखो ना कैसे बात कर रहे हो आप ये अभी थोड़ा चढ़ाई में चल रहा ना अच्छा जी इसलिए थोड़ा कम चल रहा है अच्छा जी अभी थोड़ा प्लेन में आएगा जी बोर स्पीड चलेगा फिर चार पांच नंबर में है ना तो स्पीड 200-300 है ना अभी एक दो नंबर है ना अभी नंबर में चल रहा है अभी बस स्टार्ट ही की ना गाड़ी है ना पहले गाड़ी थोड़ी गर्म होगी ना तो फिर स्पीड पकड़ेगी है ना ठंडी होगी ना अभी ठंडी होगी ना जी गाड़ी धुलाई की है एक बात और भी है ना गाड़ी की टैंकी फुल है ना इस वक्त वो पूरी फुल है तो इसी वजह से वेट ज्यादा हो गया गाड़ी का वेट ज्यादा हो गया है ना तो इसलिए आस्ता है इसलिए स्पीड कम हो रही है अच्छा ये क्या है ये इसको बोलता है कंडेरा कंडेरा तो ये सूख गया है तो बहुत कांटे हैं इसके साथ देखो कैसे कांटे ओहो इधर देखो बहुत खतरनाक हां सो गाइस जिस दिन पहले मैं आया था मैंने आपको बताया था जब चाचू जी और जफर सफारी घास काट रहे थे उस दिन वो उधर ऊपर थे गाइस ये इधर उधर से सारा काट दिया पूरा काट दिया अच्छा जी तो गाइस जफर सफारी की दाती मैंने ले ली है और मेरा फोन ले लिया सफारी साहब ने जी तो सफारी साहब बन गए कैमरामैन कैमरामैन जफर सफारी के साथ बाबर चौधरी घास काटता हुआ पिछले साल भी मैंने घास काटा था तो गाइस बहुत बुरा काटा था मैंने आज दोबारा ट्राई कर रहा हूँ तो आज मेरे उस्ताद है सफारी साहब सफारी साहब उस्ताद के लिए बहुत बहुत दवाई निकलती है अच्छा अच्छा सिखाते हैं मुझे करें बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह राम से राम से काटो पहली पहली बार है ना पहली पहली बार पहली ये सफारी साहब आप थोड़ा गाने शाने गाओ ना घास काटो बलिए पहली पहली बार बलिए घास काट रहा बलिए तो गाइस इधर देखो मेरा पहला घास पहला घास है ये मेरा सफारी साहब आपने लड्डू ला के लोगों में तकसीम करने चाहिए बिल्कुल जी मैंने घास काटा है आज कोई शक नहीं बेशक कोई शक नहीं कोई शक नहीं तो गाइस मैंने जब गोदी की थी उस वक्त सफारी साहब ने मुझे सिखाया था मेरा उस्ताद बहुत खतरनाक है कुछ भी सिखाते है इतना मस्त सिखाते है गोदी करना तो सीख लिया मैंने
अब मैं घास काटना सीख रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी बता नहीं सकता सफारी साहब कैसे कैमरा लेके खड़े हुए, ऐसे हुए अगर थोड़ा सा ऐसे हुए तो सीधे नीचे। तो गाइस टाइम इस वक्त हो चुका है कोई 5, तो यहाँ से हम गए थे 2 बजे। तो गाइस पहले हमने थोड़ी मस्ती की, तो वीडियो बनाई मोजू में। तो गाइस आप सोचते होंगे हम ऐसे मस्ती करते रहेंगे, घास बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो गाइस हमने पहले थोड़ी मस्ती की, वीडियो बनाई, तो गाइस उसके बाद फोन मैंने रख दिया जेब में। तो गाइस फिर मैं और जफर सफारी घास काटने लगे, जफर सफारी ने चंगी स्पीड में घास काटा। तो आपको पता ही गाइस मुझे ज्यादा जांच नहीं है, पर फिर भी गाइस मैंने ट्राई किया, मैंने भी थोड़ा काटा और जफर सफारी ने भी काटा। तो गाइस अभी वो काट ही रहा था, टाइम इस वक्त हो गया 5, तो मैं अभी आया हूँ घर जफर सफारी के लिए पानी शानी और चाय लेने। तो गाइस अब मैं जाऊंगा वापस। तो गाइस मुझे लगता है आज की वीडियो काफी बड़ी बन गई है, तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। गुज्जर जिंदाबाद, बाकी सभी जिंदाबाद।